देख रहे चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। मोहर्रम पर्व को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में बोलते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय आनंद ने कहा कि मोहर्रम का पर्व सभी लोग शांति के साथ मनाए, कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या गलत बयानबाजी ना करे, नहीं तो पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। बैठक में थानाध्यक्ष कृष्णपाल सरोज ने बताया है कि कोटरा में कुल 12 ताजिए निकाले जाते हैं। इन ताजियों का रास्ता पुराना ही रहेगा, किसी नए रास्ते से ताजिए नहीं निकाले जा सकेंगे। बैठक में शान मोहम्मद मुदैया ने ताजिया निकालने वाले रास्ते में ढीले बिजली के तार ठीक कराने की मांग की। वहीं ताजियादार लाल मोहम्मद ने लंबरदार के रास्ते में कटीली झाड़ी काटने की बात कही। बैठक में यासीन सिद्दीकी ने बिजली पानी की समस्या उठाई। इस पर नायब तहसीलदार शशिकांत तिवारी ने कहा कि मुहर्रम के अवसर पर बिजली पानी की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की जाएगी। रिपोर्टर के श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप देखे होंगे कि उरई में ही जो लोग भी ऐसा किए हैं मुकदमा लिख के जेल गए, ठीक है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।